हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में जो है अपनी शॉपिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। और शॉपिंग वीडियो की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के जरबेरा प्लांट से, और फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत है। अभी फुल ब्लूम नहीं हुआ है, इसकी आधे ही पेटल निकली हैं, अभी छोटी छोटी पेटल जो बन रही हैं बीच में। और इसमें जो है बर्ड्स भी हैं, कई सारी नीचे भी बर्ड्स हैं, आई रही हैं बर्ड्स। तो बहुत ही अच्छा हेल्दी सा प्लांट है, लेकिन ये प्लांट जो है रेड सॉइल में लगा हुआ है। ये पुणे से आया हुआ प्लांट है और देख सकते हैं रेड सॉइल में है। तो इसकी मैं रिपोर्टिंग वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी आप सबके साथ कि कैसे मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी, और अपडेट भी दूंगी इसका कि चल रहा है मेरा प्लांट या मर गया। तो इसको जो है मैंने 200 में परचेज़ किया है, क्योंकि ये प्लांट जो है हमारे यहाँ पर पॉली बैग में मिल ही नहीं रहे हैं। मैंने पूरी ठंडी जो है कई जगह पर तलाश किया लेकिन नहीं मिले, तो मैंने लास्ट में जो है इनको पॉट में ही ले लिया है, 200 में मिला है। तो काफ़ी अच्छा हेल्दी सा प्लांट है, इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो है ये देसी वाले रोज़, जिनमें बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू रहती है और थोड़ी दूर तक ही जाती है इसकी खुशबू। और फ्लावरिंग भी ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ये कटिंग से लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। मैंने दो परचेज़ किए हैं, तो ये 15-15 रुपए के हैं दो प्लांट, और कुछ समय तक ये ऐसे रहते हैं, उसके बाद में एकदम लाइट पिंक कलर हो जाते हैं। तो वो लाइट पिंक कलर ही मुझे पसंद है, ये डार्क पिंक तो मेरे पास में ऑलरेडी हैं। तो मैंने ये दो प्लांट लिए हैं और छोटे छोटे से पॉली बैग में लगे हुए हैं, इनकी पेटल भी आप देख रहे हैं झड़ गई हैं, दोनों एक ही कलर के हैं। नेक्स्ट जो है वो है ये एग्लोनिया की जो है मेरे पास में कोई भी वैरायटी नहीं थी। एक है जो नॉर्मल एवरग्रीन एग्लोनिया रहता है, वो है मेरे पास में, ये वाला नहीं था लिपस्टिक एग्लोनिया। अभी और भी इसकी वैरायटी हैं, वो भी नहीं है मेरे पास में, एक दो वैरायटी अभी बाकी हैं। तो इसको मैंने परचेज़ किया है, ये मुझे मिला है, मैंने दो प्लांट लिए हैं इसके, एक ये है और एक ये है। ये इसमें थोड़ा सा लाइट पिंक कलर है और इसमें देखिए फ्लावर भी आने वाला है। तो ये दोनों प्लांट जो है मुझे 300 में मिले हैं, मतलब 150 के एक प्लांट पड़े हैं, और पॉट में ही लगे हुए हैं और रेड सॉइल में बिल्कुल भी नहीं है, कोकोपीट में लगे हुए हैं। अच्छा है, तो देखूंगी अगर होगा तो इनकी सॉइल चेंज कर दूंगी, नहीं तो मैं इनको ऐसा ही रहने दूंगी। और ये वाला जो प्लांट है, ये इसमें कई सारी नीचे से ब्रांच हैं, तो इनको कट करके मैं और भी बना सकती हूँ। तो अभी अच्छा समय है, इनकी कटिंग जो है अच्छे से ग्रो हो जाएंगी, तो इनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो मैंने 150 रुपये में इनको परचेज़ किया है, और ये मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से थे। तो मैंने जो है इस बार जो शॉपिंग की है, वो जो मैं बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, वही शॉपिंग मैंने की है। तो ये दो लिए हैं और एक ये है मरंटा का प्लांट है। इसके लीव्स देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और इस साइड में आप देखेंगे तो पर्पल कलर है। तो मैंने इसको परचेज़ किया है, ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ का, बड़े से पॉली बैग में लगा हुआ है, और ये रेड सॉइल में नहीं है, नीचे से बहुत सारे पप्स भी निकले हुए हैं। तो ये सेमी इंडोर रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसकी लीव्स के लिए मैंने इसको परचेज़ किया है। तो यही सब मैंने ख़रीदे हैं, और ये मुझे 90 रुपीज़ में मिला है। इसकी जो लीव्स है थोड़ी सी कट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो बाद में मैं ये जब आगे मतलब ऊपर और सारी ब्रांचेस निकले आएंगी तो मैं इसको कट कर दूंगी। और ये वाला जो है इसमें भी जो है पप्स निकले हैं, तो इनको भी आप डिवाइड करके और प्लांट बना सकते हैं। देखिए इसमें अगर मैं बनाऊं तो चार प्लांट रहेंगे, 1 2 3 4, एक छोड़ के 3 मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी जो है नहीं निकालूंगी। अभी मैं इन्हीं प्लांट को अच्छे से सर्वाइव करने दूंगी, क्योंकि नया मॉइस्चर है इनके लिए, नई जगह है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इनको कट वगैरह कुछ भी नहीं करूंगी। तो यही मेरी शॉपिंग थी फ्रेंड्स। और एक जो है मैंने अडेनियम परचेज़ किया है, अडेनियम में आप देख सकते हैं सीड भी बन गए हैं। ये मैंने सुबह ही इसको बांधा है, क्योंकि जब मैंने आकर देखा ना, तो इसकी जो है सीड पॉट जो है पूरा खुल गया था, और ये जो सीड है बाहर निकल आया था। तो मैंने इसको स्पेशली जो है, ये सिंगल पेटल है, और मैंने इसको जो परचेज़ खाली इसके लिए किया है, सीड के लिए, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं सीड से जो है अडेनियम को ग्रो करूँ। तो ऐसा प्लांट है, उसके बाद में मैं इसको जो है कट करके और इसमें
कोशिश करूँगी कि ग्राफ्ट करूँ इस प्लांट को, तो मैंने इसीलिए परचेज़ किया। ये भी मुझे 90 रुपीज़ में मिला है और पॉलीबैग आप देख सकते हैं फट गया है और कोई रेड सॉइल में नहीं लगा है, नॉर्मल सॉइल में है लेकिन बहुत ही हार्ड हो गई है सॉइल। तो यही मेरी शॉपिंग थी फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।